व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं। ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको लिख लेंगे। 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5। और अब हमारे पास ये कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं, ये कौन सी फ्रैक्शन, आपको पता है ये हमारे पास प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास के नोमिनेटर की जो वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर कम होती है। तो 4 छोटा है ना 7 से, तो ये हमारे पास जब नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू जो है छोटी होगी नीचे वाली वैल्यू से, नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। ये कौन सी है फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, इसमें ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू से। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, और ये भी प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब 2 छोटा है 5 से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ओके। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ हम कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऐसे कट कर सकते हैं, इस तरह कर लें, या इस तरह कर लें, जैसे भी आपने करना है। तो मैं इस तरह कट कर लेती हूँ। अच्छा, कट होता है ना जब, तो सेम टेबल से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं 2 से कट कर सकती हूँ, तो 2 को तो मैं 14 से कट, 2 को तो मैं जो 14 है सॉरी उसको तो मैं 2 से कट कर सकती हूँ, लेकिन 7 को नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे सेम टेबल से कट करना, ये तो 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, तो मैं 2 से कट नहीं कर सकती। मैंने वो उस टेबल से कट करूँगी, ठीक है। उस टेबल से हमें कट करना होता है जो दोनों को कट कर दे। 7 से कट करेंगे, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है, 2 ज़ा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी कट कर सकते हैं ना, तो यस कर सकते हैं। 4 के टेबल में 4 आता है, 1 ज़ा। 4 के टेबल में 8 आता है, 2 ज़ा, ठीक है। और हम लोग फर्दर इसको अभी कट नहीं करेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। अभी यहाँ तो 1 और 1 है, ठीक है। इनको ना भी लिखें तो ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करें, ऑफकोर्स 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ तो लिखना है तो लिख लें, स्टेप में 1 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, मल्टीप्लाई इधर 2 है और इधर 5 है, ठीक है। ये ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिखना है, वरना इस स्टेप पे इसको ख़त्म करते हैं। ये सिर्फ ये लिख लें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह भी कट कर सकते हैं और इस तरह भी। 2 2 है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। फर्दर कुछ और कट नहीं होता ना हमारे पास। ये 2 है, ये 5 है, ये इवन है, ये ऑड है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 2 से करें, 2 2 को 1 से करें, 2। नीचे हमारे पास है 1, यहाँ 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 5 ज़ा 5। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। और ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर को नहीं। तो हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी हमारे पास, इसमें नोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इसको तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही आंसर आ गया। होप्स आपको अच्छे समझ आ गए होगा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। आपको अगर इन पे वीडियोस चाहिए मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो ये आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।